प्रातः क्लास चल रहा था 30 अक्टूबर 1966 अ मॉर्निंग क्लास डेटेड 30th October 1966 वॉज बीइंग नरेटेड रविवार को ऑन संडे पहले पेज के मध्यांक में बात चल रही थी द टॉपिक डिस्कस्ड इन द एंड ऑफ द मिडल पार्ट ऑफ द फर्स्ट पेज वॉज कि जब लक्ष्मी नारायण की राजधानी सूर्यवंशी राजधानी चंद्रवंशी राजधानी चल रही थी पीपल डोंट नो वेन देर वॉज द कैपिटल ऑफ लक्ष्मी नारायण द सूर्यवंशी कैपिटल द चंद्रवंशी कैपिटल सूर्यवंशी दोज बिलोंगिंग टू द सन डायनेस्टी चंद्रवंशी दोज बिलोंगिंग टू द मून डायनेस्टी उन्होंने कब बादशाही ली जरा भी नहीं जानते हैं दे डोंट नो एट ऑल वेन दे रिसीव्ड द एम्परशिप वो समझ सकते हैं कि सतयुग में इनकी राजधानी थी दे कैन अंडरस्टैंड दैट देयर कैपिटल एग्जिस्टेड इन द गोल्डन एज तो शास्त्रों में लिख दिया है सतयुग के आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था सो इट हैज बीन रिटन इन द स्क्रिप्चर्स देयर वॉज द किंगडम ऑफ लक्ष्मी नारायण इन द बिगिनिंग ऑफ द गोल्डन एज फिर सतयुग के लिए कहा जाता है कि लाखों वर्ष हो गए देन इट इज सेड फॉर द गोल्डन एज दैट इट वॉज लैक्स मीनिंग हंड्रेड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो तो बेचारे कैसे जाने सो हाउ कैन द पुअर वंस नो वो राजा ही कैसे ली हाउ दे ऑब्टेन्ड दैट किंगशिप लाखों वर्ष की हिस्ट्री तो कोई जान भी न सके Nobody can know the history of lakhs of years either. फिर बाद में वो राजा ही कहाँ गए Then later on, where did that kingship go? तो देखो किसी को भी मालूम नहीं है So look, nobody knows it. देखो भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था Look. There was the kingdom of Lakshmi Narayan in Bharat, meaning India. तो भारतवासियों को तो मालूम होना चाहिए So, at least the Bharatvasis should know, Bharatvasis, residents of Bharat, meaning India. कि यहाँ भारत में पहली पहली राजधानी थी That the first and foremost capital was here in Bharat. श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की राजधानी थी It was the capital of Shri Lakshmi and Shri Narayan. और उस 16 कला संपूर्ण राजधानी में सतयुग था And there was the golden age in that capital, which was complete with 16 celestial degrees. तो देखो So look. बाप भी समझाते हैं सबको भारतवासियों को The father also explains to everyone, to the Bharatvasis, कि पहले पहले ये ही चित्र हैं That these are the only pictures, first of all. कौन से लक्ष्मी नारायण के Which ones? Of लक्ष्मी नारायण भले सोमनाथ मंदिर पहले बना Although the सोमनाथ temple was built first, परंतु सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग दिखाया है निराकार की यादगार द शिवलिंग दैट इज शोन इन द सोमनाथ टेम्पल एज द रिमेम्बरेंस ऑफ द इनकॉर्पोरियल वन शिवलिंग एन ऑब्लॉन्ग स्टोन वर्शिप्ड इन ऑल इंडिया रिप्रेजेंटिंग शिव इन द पाथ ऑफ भक्ति वो ही कोई चित्र थोड़े ही है इट इजंट अ पिक्चर वो तो चित्र के विपरीत चित्र है विचित्र है It is a picture opposite to the picture. He is Vichitra, meaning the one who doesn't have a picture. तो उन्हें लक्ष्मी नारायण को समझाने के लिए बाप ने अच्छा सा चित्र बनाया है So, the father has prepared a nice picture to explain those लक्ष्मी नारायण वो चित्र बच्चे बनाते जाते हैं इनका
The children keep preparing their pictures. और भारत में मंदिर तो बहुत है लक्ष्मी नारायण के, बहुत चित्र हैं. And there are many temples, many pictures of Lakshmi Narayan in India. देखो, बिरला मंदिर में कितने अच्छे-अच्छे चित्र बने हुए हैं. Look, there are such nice pictures in the Birla temple, meaning Lakshmi Narayan temples built by the Birla group of merchants. भारत में और भी तो साहूकार हैं. There are other prosperous people too in India. उनका नाम क्यों नहीं लिया? Why wasn't their name mentioned? है? बिरला का नाम क्यों याद आया? Why did Baba remember the name Birla? Meaning a group of merchants. Birla also means rare. क्योंकि? It is because. वो ही बिरला व्यापारी है. He alone is that Birla merchant. जिसकी यादगार भक्ति मार्ग में तैयार होती है. Who is famous in the path of bhakti. कि वो बिरला मंदिर बनाता है. For building the Birla temples. जिसे बनाने वाले की यादगार है. और जिन चित्रों की यादगार है वो वास्तव में कब तैयार हुए थे? When were the memorials of the one who built it and the pictures prepared in reality? वो किसी को पता नहीं है. Nobody knows that. बाप कहते हैं. The father says. ये भक्ति मार्ग में जो भी जड़ चित्र हैं नंबर बार वो सब मैं आकर के तैयार करता हूँ. कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में. I come and prepare all the number wise non-living pictures in the path of bhakti at the end of the iron age and the beginning of the golden age. Number wise means at different levels. जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है. Which is called the पुरुषोत्तम संगम युग. The elevated confluence age. उसे ही पुरुषोत्तम संगम युग का क्यों कहा जाता है? Why is that confluence alone called the पुरुषोत्तम संगम युग? संगम तो सतयुग त्रेता का भी है. There is a confluence of the golden and the silver age. त्रेता द्वापर का भी है. Of the silver and the copper age. द्वापर कलयुग का भी संगम होता है. And there is a confluence of the copper and the iron age as well. फिर कलयुग के अंत और सतयुग के आदि को ही संगम को प्रायोरिटी क्यों दे दी? Then why has the priority been given only to the confluence of the end of the iron age and the beginning of the golden age? क्योंकि it is because आत्माओं का बाप the father of the souls नन्ना सतयुग त्रेता के संगम में आते हैं. Doesn't come in the confluence of the golden and the silver age. कि राम या कृष्ण के रूप में भगवान बनकर के आते हो. So that he comes as God in the form of Ram or Krishna. न द्वापर और त्रेता के संगम पर आते हैं. Neither does he come in the confluence of the copper and the silver age. न द्वापर और कलयुग के संगम पर आते हैं. Nor does he come in the confluence of the copper and the iron age. जो शास्त्रों में लिख दिया है कलंकी अवतार लेकर आया. For which it has been written in the scriptures that he came as the incarnation of Kalanki, meaning the defamed one. Kaliyug mein aaya. He came in Kaliyug, meaning the iron age. Nahi. No. Sirf Kalanki dhar nahi hai. He isn't just Kalanki dhar, meaning the one who bears disgrace the most. Wo to खास करके सारे भारतवासियों को कलंक को धोने वाला है और आम सारी दुनिया के पापों को धोने वाला है. He is the one who washes the stains of all the Indians especially and the sins of the entire world in general.
जो ये मंदिर बनाते हैं, द वंस हु बिल्ड दिस टेम्पल्स, वो कोई ज्ञानदाता के दिए हुए ज्ञान को सबसे जास्ती प्रायोरिटी देते हैं, महत्व देते हैं. गिव अ मैक्सिमम प्रायोरिटी इम्पोर्टेंस टू द नॉलेज गिवन बाय द गिवर ऑफ नॉलेज. ज्ञान दान का बड़ा व्यापारी है. ही इज अ बिग मर्चेंट ऑफ द वेल्थ ऑफ नॉलेज. उसकी यादगार में, इन द रिमेम्बरेंस ऑफ हिम, भक्ति मार्ग में भी ये लक्ष्मी नारायण के जड़ मंदिर बनाने वाला बिरला व्यापारी गाया हुआ है. द वन हु बिल्ड्स द नॉन लिविंग टेम्पल्स ऑफ लक्ष्मी नारायण इन द पाथ ऑफ भक्ति, द बिरला मर्चेंट इज फेमस. और वो जड़ मंदिर भी कितने सुंदर सुंदर विशाल भव्य बने हुए हैं. एंड दोज नॉन लिविंग टेम्पल्स दैट आर बिल्ट आर ऑल्सो सो ब्यूटिफुल, लार्ज एंड मैग्निफिशियंट. अभी भी वो लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत भव्य और बढ़ाते चले जाते हैं. इवन नाउ दे कंटिन्यू मेकिंग मोर मैग्निफिशियंट एंड लार्जर टेम्पल्स ऑफ लक्ष्मी नारायण. वो भक्ति मार्ग में क्यों मंदिर को बनाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं? वाई डू दे कीप बिल्डिंग एंड इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द टेम्पल्स इन द पाथ ऑफ भक्ति? क्योंकि इट इज बिकॉज पुरुषार्थ भी ज्ञान का, योग का, यज्ञ सेवा का, धारणाओं का पुरुषार्थ धीरे धीरे बढ़ता है या एकदम बढ़ जाता है. Does the पुरुषार्थ ऑफ नॉलेज, योग, यज्ञ सेवा, मीनिंग, सर्विस ऑफ द यज्ञ एंड धारणा इंक्रीज ग्रेजुअली और डज इट इंक्रीज एट वंस? पुरुषार्थ मीनिंग स्पिरिचुअल एफर्ट्स, धारणा मीनिंग पुटिंग डिवाइन वर्च्यूज इन प्रैक्टिस, स्टूडेंट्स ग्रेजुअली. तो बताते हैं कि न लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ. सो इट इज सेड वेन वर दीज लक्ष्मी एंड नारायण बॉर्न. जन्म होने के बाद ही तो पुरुषार्थ करेंगे. दे विल सर्टनली मेक पुरुषार्थ ओनली आफ्टर बीइंग बॉर्न. और पुरुषार्थ में कोई हथेली पर आम नहीं जमाया जा सकता. एंड विद पुरुषार्थ यू कांट ग्रो अ मैंगो ट्री ऑन द पाम. धीरे धीरे पुरुषार्थ ही जीवन में वृद्धि होती जाती है. देर इज अ ग्रेजुअल ग्रोथ इन द पुरुषार्थी लाइफ. तो मंदिर भी भक्ति मार्ग में धीरे धीरे बड़े बड़े होते जाते हैं. सो द टेम्पल्स इन द पाथ ऑफ भक्ति ऑल्सो कीप इंक्रीजिंग इन साइज ग्रेजुअली. क्योंकि बनाने वाले जो भी हैं, नंबर वार हैं, साहूकार. बिकॉज ऑल द बिल्डर्स आर नंबर वाइज रिच. और वो इसलिए बनाते हैं कि हमारे धन की वृद्धि होती रहे. एंड दे बिल्ड इट फॉर द रीजन दैट दे थिंक देयर वेल्थ शुड कीप इंक्रीजिंग. ये भावना कहाँ से आती है? वेयर डू दे डेवलप दिस फीलिंग? इस भावना का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? वेयर इज द फाउंडेशन फॉर दिस फीलिंग लेड? जब भगवान संगम युग पर इस सृष्टि पर आते हैं तो ज्ञान धन बढ़ने का भी भावना बढ़ती रहती है. When God comes in this world in the confluence age, then the feeling for the increment of the wealth of knowledge also keeps increasing. धीरे धीरे ज्ञान लौकिक दुनिया की तरह बेसिक में एडवांस की ओर जाता रहता है. ग्रेजुअली द नॉलेज कीप्स मूविंग टुवर्ड्स एडवांस इन बेसिक लाइक इन द लौकिक वर्ल्ड. इतना ज्ञान बढ़ता है कि एक एक मनुष्य आत्मा अपने अनेक जन्मों की हिस्ट्री को जान लेती है. द नॉलेज इंक्रीजेस टू सच एन एक्सटेंट दैट ईच एंड एवरी ह्यूमन सोल कम्स टू नो ऑफ इट्स हिस्ट्री ऑफ मेनी बर्थ्स.
क्योंकि आत्मा पार्टधारी है ना. बिकॉज द सोल इज एन एक्टर इजंट इट. ये सृष्टि एक रंगमंच है ना. दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज इजंट इट. इस रंगमंच पर आने वाला हर पार्टधारी अपने पार्ट को जानेगा तब ही तो बजावेगा. एवरी एक्टर कमिंग टू दिस स्टेज विल प्ले इट्स पार्ट ओनली व्हेन इट नोज इट. तो ये जानने का मादा आत्मा में मन बुद्धि में कब भरा जाता है. सो व्हेन इज द कैपेसिटी टू नो द पार्ट रिकॉर्डेड इन द सोल इन द माइंड एंड इंटेलेक्ट. संगम युग में भरा जाता है. इट इज रिकॉर्डेड इन द कॉन्फ्लुएंस एज. हर मनुष्य आत्मा जो पहले बेवकूफ पार्टधारी थी. एवरी ह्यूमन सोल हु वॉज अ फुलिश एक्टर अर्लियर. जिनको अपने जन्म जन्मांतर के बदले हुए चोले का पार्ट का ज्ञान ही नहीं था. हु डिडंट एट ऑल हैव द नॉलेज ऑफ इट्स चेंज्ड बॉडीज पार्ट्स ऑफ मेनी बर्थ्स. वो आत्मा बेवकूफ से कैसी बन जाती है. वॉट डज दैट सोल बिकम फ्रॉम बींग फुलिश. बुद्धिमान बन जाती है. इट बिकम्स इंटेलिजेंट. क्योंकि बुद्धिमानों को भी बुद्धि देने वाला एक ही बाप है और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं. चाहे वो कोई भी बड़े से बड़े धर्मात्मा धर्म पिता हुए हों. बिकॉज इट इज ओनली द वन फादर एंड नो अदर ह्यूमन बीइंग बीट एनी ग्रेट रिलीजियस सोल्स और रिलीजियस फादर्स हु गिव्स द इंटेलेक्ट टू इवन द इंटेलिजेंट वंस. तो देखो सो लुक मंदिर बनाने वालों की आशा होती है कि हमारे धन की वृद्धि हो. दोज हु बिल्ड द टेम्पल्स होप दैट देयर वेल्थ वुड इंक्रीज. तो मंदिर बनाते रहते हैं. सो दे कीप बिल्डिंग टेम्पल्स. यहाँ भी इवन हियर पहला मंदिर किसने बनाया संगम युग में. हु बिल्ड द फर्स्ट टेम्पल इन द कॉन्फ्लुएंस एज. जरूर मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता होगा जो भारत में पहला बड़े से बड़ा मंदिर बनाता है. डेफिनेटली इट मस्ट बी द फर्स्ट लीफ ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड हु बिल्ड्स द फर्स्ट बिगेस्ट टेम्पल इन इंडिया. कहाँ बनाता है. वेयर डज ही बिल्ड इट. अहमदाबाद में. क्यों. स्टूडेंट्स रिप्लाइड व्हाई ओनली इन अहमदाबाद. क्योंकि भक्ति मार्ग में भी आज यादगार में सागर के कंठे पर सोमनाथ का मंदिर यादगार बना हुआ है. इट इज बिकॉज इवन इन द पाथ ऑफ भक्ति द सोमनाथ टेम्पल इज बिल्ट ऑन द शोर ऑफ द ओशन एज अ मेमोरियल टूडे. तो सागर है चैतन्य ज्ञान सागर है. सो द ओशन इज द लिविंग ओशन ऑफ नॉलेज. जहाँ से चैतन्य ज्ञान सागर में बेसिक ज्ञान का बीज पड़ता है. द प्लेस फ्रॉम वेयर द सीड ऑफ द बेसिक नॉलेज इज लेड इन द लिविंग ओशन ऑफ नॉलेज. वहाँ समंदर के किनारे ही यादगार बनी हुई है. द मेमोरियल इज बिल्ट देयर ऑन द वेरी शोर ऑफ द ओशन. भक्ति मार्ग में भी यादगार बनी हुई है. अ मेमोरियल इज बिल्ट इन द पाथ ऑफ भक्ति टू. और माउंट आबू जहाँ से भगवान बाप प्रत्यक्ष होते हैं. एंड माउंट आबू फ्रॉम वेयर गॉड द फादर इज रिवील्ड. जिसे जैनियों में भी अष्टापद पर्वत गाया हुआ है. विच इज फेमस एज द अष्टापद माउंटेन इवन अमंग द जैन्स. जहाँ से आठ पद ऊंचे से ऊंचे डिक्लेयर होते हैं. इट इज फ्रॉम देयर दैट द एट हाईएस्ट पोजीशंस आर डिक्लेयर्ड. उसके नजदीक सबसे नजदीक अहमदाबाद में ही सेंटर खोला जाता है. अ सेंटर इज ओपन्ड इन अहमदाबाद इटसेल्फ क्लोज टू इट वेरी क्लोज टू इट. जहाँ से संसार के सारे मनुष्यों की बीज रूप आत्माएं
लक्ष्मी नारायण प्रत्यक्ष होती हैं। इट इज फ्रॉम देयर दैट द सीड फॉर्म सोल्स ऑफ ऑल द ह्यूमन बींग्स ऑफ दिस वर्ल्ड दैट इज लक्ष्मी एंड नारायण आर रिवील्ड। तो लक्ष्मी नारायण से जिसको विष्णु महानारायण या महालक्ष्मी कहते हैं, सो लक्ष्मी नारायण हु इज कॉल्ड विष्णु महानारायण और महालक्ष्मी, तो महालक्ष्मी से धन मांगते हैं। सो पीपल आस्क फॉर वेल्थ टू महालक्ष्मी। है नारायण से क्यों नहीं मांगते? Why don't they ask नारायण फॉर इट? है क्योंकि इट इज बिकॉज संगम युग में भी जब भगवान बाप आते हैं, वेन गॉड द फादर कम्स इन द कॉन्फ्लुएंस एज, तो जो बड़े से बड़ी भक्ति ने है, द बिगेस्ट फीमेल डिवोटी कौन, हु इज शी? है लक्ष्मी। लक्ष्मी वो बड़े से बड़ी ज्ञानी बन जाती है बांटने वाली। शी बिकम्स द ग्रेटेस्ट नॉलेजेबल सोल हु डिस्ट्रीब्यूट्स द नॉलेज, ज्ञान देने वाली बन जाती है। शी बिकम्स द वन हु गिव्स द नॉलेज। और लक्ष्मी से किसने मांगा? एंड हु आस्क्ड फॉर इट टू लक्ष्मी? है बेसिक में पहले किसने मांगा? हु आस्क्ड हर फॉर द नॉलेज इन द बेसिक नॉलेज फर्स्ट ऑफ ऑल? नारायण ने मांगा था। नारायण आस्क्ड फॉर इट। इसलिए जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब नारायण को फॉलो करते हैं। दिस इज व्हाई ऑल द ह्यूमन बींग्स फॉलो नारायण। किससे धन मांगते हैं? हुम डू दे आस्क फॉर वेल्थ? लक्ष्मी से धन मांगते हैं। दे आस्क फॉर वेल्थ टू लक्ष्मी। 30/10/1966 की वाणी का दूसरा पेज, सेकेंड पेज ऑफ द वाणी डेटेड 30/10/1966। और कब मांगते हैं? एंड वेन डू दे आस्क फॉर इट? है भक्ति मार्ग में दीपावली पर मांगते हैं। दे आस्क फॉर इट ऑन दीपावली इन द पाथ ऑफ भक्ति। दीपावली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स सेलिब्रेटेड इन इंडिया। जब दीपकों की घर घर में लाइने जलाई जाती। वेन मेनी लाइन्स ऑफ लैम्प्स आर लाइटेड इन एवरी होम। तो शूटिंग पीरियड में क्या होता है? सो व्हाट हैपेंस इन द शूटिंग पीरियड? है घर घर में जब आत्मा रूपी दीपक जगाए जाते हैं, जग जाते हैं। When the lamp like souls are lighted in every home, when they lighten up, तो उस दिन सारी मनुष्य आत्में लक्ष्मी से ही भारत में धन मांगती। On that day, all the human souls ask for wealth to Lakshmi alone in India. हर दीपमाला पर। On every deepmala, meaning दीपावली। अभी देखो। Now look. दीपमाला आएगी। When दीपमाला arrives, तो बच्चे। Then the children. श्री लक्ष्मी उसको महालक्ष्मी कहते हैं ना? श्री लक्ष्मी, she is called महालक्ष्मी, isn't she? चार भुजाएं हुई ना? There are four arms, aren't there? क्यों? Why? एक व्यक्ति को दो भुजाएं होती हैं या चार चार भुजाओं का उसके कुल में कोई पैदा होता है? Does a person have two arms or is anyone with four arms born in his clan? है दो भुजाएं होती हैं। There are two arms. परंतु दो आत्माएं हैं। But there are two souls. एक है लक्ष्मी। One is लक्ष्मी, जिसे छोटी माँ कहा जाता है। Who is called the junior mother? और दूसरी है जगदम्बा। And the other is जगदम्बा, जिसे बड़ी माँ कहा जाता है। Who is called the senior mother? दोनों आत्माओं के संस्कार मिलकर के एक हो जाते।
the sanskars of both the souls combine and become one. Lakshmi ko Mahagauri kehte. Lakshmi is called Mahagauri, meaning the fairest one. Aur Jagadamba jab tamo pradhan banti hai, to use Mahakali kehte. And when Jagdamba becomes tamo pradhan, she is called Mahakali, meaning the darkest one. Dono ke sanskar milkar ke ek ho jaye, tab Mahalakshmi kaha jata hai. When the sanskars of both of them combine and become one, it is then that they are called Mahalakshmi. Dekho char bhujayein ho jati hain. So look, there are four arms. Unko Lakshmi Narayan ka combined roop Vishnu kaha jata hai. That is called the combined form of Lakshmi and Narayan. That is Vishnu. Arthat? It means Vishnu ko char bhujayein hain. Vishnu has four arms. Bhuja mane madadagar. Arm means helper. Hai number baat. They are number wise, meaning higher or lower. Koi daayi or ki aur koi baayi or ki bhujaye. Some are the arms of the right side and some are the arms of the left side. Daaya haath shubh karma karne ke liye mana jata hai. The right hand is considered to perform auspicious acts. Aur baaya haath se kya karte hain? Gandagi saaf karte hain. And what is done with the left hand? You clean dirt. To kya unche niche ho gaye? Hain? So are those arms superior or inferior? Jo gandagi saaf karne wale hain, those who clean dirt, आज दुनिया के देहाभिमानी मनुष्यों को नीचा समझते हैं. The body conscious humans of the world today consider them to be inferior. और भगवान बाप तो सदा काल आत्मा अभिमानी है. And God the Father is soul conscious forever. मनुष्यों आत्माओं को भी आत्मा अभिमानी आकर बनाता है. He comes and even makes the human souls soul conscious after coming. तो जो आत्मा अभिमानियों का समूह है वो ऊंच नीचे का भेद गंदगी साफ करने वालों में और जो दान धर्म किया जाता है अच्छे काम उनमें भेद नहीं मानता है. So the group of the soul conscious ones doesn't discriminate between the high and the low, those who clean dirt and those who perform good acts like giving donations etc. Koi bhi kaari karo. You may perform any task. Bhavana se kiya jayega. If you do it with a good feeling. To achha phal dega ya bura phal dega. Will it give good fruit or bad fruit? Achha hi phal dega. It will give only good fruit. To bola. So it was said. ये चार आत्माएं हैं भगवान के कार्य में मददगार. These are the four souls who are cooperative in God's task. दाई ओर की जो दो भुजाएं हैं उनमें है लक्ष्मी. The two arms of the right side include Lakshmi. कौन सी? Which one? जगदम्बा के रूप में. Is it in the form of Jagdamba? Yeah. Lakshmi ke roop mein. Or in the form of Lakshmi? Hai? Om Radhe Jagdamba ne pehle pehle aage badh karke Ishwariya gyan ko samjha. Om Radhe Jagdamba stepped ahead first of all and understood the divine Ishwariya knowledge. एक एक पॉइंट को पकड़ करके विस्तार में मुरली चलाती थी. She used to grasp each and every point and narrate the murli in detail. तत्कालीन भगवान के जो भी स्टूडेंट्स थे उनमें कोई इतना होशियार था है? Among all the students of God at that time, was anyone as intelligent? Or proof bhi diya. And a proof has also been given.
के ज्ञान का सबसे मूल पॉइंट ओम राधे मम्मा ने उठाया. दैट इट वॉज ओम राधे मम्मा हु ग्रास्प्ड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ नॉलेज. क्या? वॉट? कि आत्मा ज्योति बिंदु है. द सोल इज अ पॉइंट ऑफ लाइट. अणुअणियांसम गीता में गाई हुई है, अणु से भी अणु अत्यंत सूक्ष्म. इट इज प्रेज्ड एज अणुअणियांसम इन द गीता. इट इज सटलर देन एन एटम द सटलेस्ट. तो जैसा बच्चा वैसा बाप. सो एज इज द चाइल्ड सो इज द फादर. बच्चा लंबा होगा सांप की तरह तो बाप भी लंबा होगा. इफ द चाइल्ड इज लॉन्ग लाइक अ स्नेक इट्स फादर विल ऑल्सो बी लॉन्ग. बच्चा हाथी की तरह मोटा ताजा होगा तो बाप भी हाथी जैसा ही होगा. इफ द चाइल्ड इज फैट एंड प्लम्प लाइक एन एलिफेंट द फादर विल ऑल्सो बी लाइक एन एलिफेंट. आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है तो आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु ही होना चाहिए. When the soul is the subtlest point of light, the father of the souls should also be just a point of light. तब से सारा ही ब्राह्मण परिवार. Since then, the entire Brahmin family. जो पहले लाल लाइट के गोले को भगवान के रूप में याद करता था. Which used to remember a sphere of red light as the form of God. वो भगवान को किस रूप में याद करने लगा? Started remembering God in which form? है? हाँ, निराकार के रूप में याद करने लगा. Students replied, Yes, it started remembering him in the incorporeal form. जो निराकार रूप है, उसे बड़े गोले के अंदर दिखाया जाता. That incorporeal form is shown inside that big sphere. वो बड़ा गोला लाल लाइट का साकार की यादगार. दैट बिग स्फीयर ऑफ रेड लाइट इज अ रिमेम्बरेंस ऑफ द कॉर्पोरियल वन. और बिंदु उसमें आत्माओं के बाप की यादगार. एंड द पॉइंट इन इट इज द रिमेम्बरेंस ऑफ द फादर ऑफ द सोल्स. इसलिए आज के जितने भी मंदिर हैं शिव के. दिस इज व्हाई टुडे इन ऑल द शिव टेम्पल्स जो दुनिया में बड़े से बड़ी तादाद में दिखाए गए. दैट हैव बीन बिल्ट इन द हाईएस्ट नंबर इन द वर्ल्ड. दुनिया की खुदाइयों में भी वो लिंग मूर्तियां सबसे जास्ती मिली. दोज लिंग आइडल्स वर फाउंड इन द मैक्सिमम नंबर इवन इन द एक्सकवेशंस कंडक्टेड इन द वर्ल्ड. वो मंदिरों में वो साकार निराकार का मेल आज भी सिंगल विश्वलिंग के रूप में पूजा जाता है. इन दोज टेम्पल्स दैट कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉर्पोरियल एंड द इनकॉर्पोरियल इज वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ द शिवलिंग इवन टू दिस डे. इससे साबित होता है कि वो निराकार आत्माओं का बीज है. दिस प्रूव्स दैट द इनकॉर्पोरियल वन इज द सीड ऑफ द सोल्स. जैसे हर मनुष्य आत्मा निराकार है. फॉर एग्जाम्पल Every human soul is incorporeal. निराकार किसे कहा जाता है? Who is called incorporeal? है? Students, the combination of the corporeal and the incorporeal. है? Meaning, an expression in Hindi for an unexpected or wrong answer. ये क्या बोल दिया? साकार निराकार का मेल आत्मा कही जाती. What did you say? The combination of the corporeal and the incorporeal is called a soul. निराकार का अर्थ है जो इन आँखों से न देखा जा सके. The meaning of incorporeal is that which can't be seen through these eyes. इन कर्मेंद्रियों से न पकड़ा जा सके. Which can't be caught through this कर्मेंद्रिय meaning parts of the body used to perform actions. कर्मेंद्रियों से पकड़ नहीं हो सकती इसकी. इट कांट बी कॉट थ्रू द कर्मेंद्रिया क्योंकि कर्मेंद्रिया स्थूल है या सूक्ष्म है. बिकॉज आर द कर्मेंद्रिया फिजिकल और सटल. स्थूल है. दे आर फिजिकल. जैसे
मलेरिया के कीटाणु होते हैं. जस्ट एज देर आर जर्म्स ऑफ मलेरिया, मलेरिया वाले व्यक्ति में से वो एक बूंद खून निकाला जाता है. इफ यू टेक आउट अ ड्रॉप ऑफ ब्लड फ्रॉम अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया तो देखने में तो कोई भी कीटाणु नहीं आता है इन आंखों से. नो जर्म इज विजिबल थ्रू दीज आईज. परंतु उसको जब यंत्र से देखा जाता है तो एक बूंद में अनेकों कीटाणु दिखाई पड़ते हैं. बट वेन इट इज सीन थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट मेनी जर्म्स आर विजिबल इन अ सिंगल ड्रॉप. तो ये मनोबुद्धि रूपी ये यंत्र है. सो दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ द माइंड एंड इंटेलेक्ट. जो यंत्र इतना सूक्ष्म है इन आंखों से नहीं दिखाई देता. दिस इंस्ट्रूमेंट इज सो सटल दैट इट इजंट विजिबल थ्रू दीज आईज. परंतु समझा तो जा सकता है. बट इट कैन सर्टनली बी अंडरस्टूड कांट इट. किसी मनुष्य में से वो मनोबुद्धि रूपी आत्मा निकल जाती है. इफ द माइंड एंड इंटेलेक्ट इन द फॉर्म ऑफ द सोल गोज आउट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग तो उस मुर्दे में कोई अंतर देखने में आता है. कैन एनी डिफरेंस बी सीन इन दैट कॉर्प्स. हाँ, सारा शरीर ज्यों का त्यों. स्टूडेंट द आईज बिकम लाइक बटन्स. यस द एंटायर बॉडी इज एज इट इज. परंतु आंखों की रोशनी चली जाती है. बट द रेडियंस ऑफ द आईज गोज अवे. इससे साबित होता है कि आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है. दिस प्रूव्स दैट द सोल इज अ फॉर्म ऑफ द पॉइंट ऑफ लाइट. और वो आत्मा इस शरीर में उत्तमांग में निवास करती है. एंड दैट सोल रिसाइड्स इन द एलिवेटेड ऑर्गन उत्तमांग इन दिस बॉडी. बड़ी पूरी ब्रकुटी के बीच में निवास करती है. इट रिसाइड्स इन बिटवीन द भरी पूरी फिल्ड अप भ्रिकुटी मीनिंग प्लेस बिटवीन द टू आईब्रोज इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड. जैसे राजा अपनी सभा में ऊंची गद्दी पर बैठेगा या नीचे बैठेगा. फॉर एग्जाम्पल विल अ किंग सिट ऑन अ हाई थ्रोन इन हिज कोर्ट और विल ही सिट डाउन. स्टूडेंट्स ही विल सिट हाई. तो ये शरीर रूपी राज्य है आत्मा का. सो दिस इज द किंगडम लाइक बॉडी ऑफ द सोल. वो आत्मा रूपी राजा दैट किंग लाइक सोल इस शरीर में जो उत्तम से उत्तम अंग है उत्तमांग जिसे मस्तक कहा जाता है उस मस्तक में अपने प्रधानमंत्रियों के बीच में बैठता है. सिट्स इन दिस बॉडी इन द मोस्ट एलिवेटेड पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज कॉल्ड द उत्तमांग द फोरहेड अमंग हिज प्राइम मिनिस्टर्स. कौन सी प्रधान इंद्रियां? दो आंखों के बीच में. विच आर द प्राइम ऑर्गन्स? बिटवीन द टू आईज. ये दो आंखें कौन है? हु आर दिस टू आईज? है स्टूडेंट्स राम एंड कृष्ण. ये दो आंखें उस भगवान की वो आंखें हैं जो भारतवर्ष में मनुष्य के रूप में देवता के रूप में और भगवान के रूप में भी पूजी जाती है. दिस टू आईज आर दोज आईज ऑफ गॉड विच आर वर्शिप्ड इन द लैंड ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अ डेटी एंड ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ गॉड. क्या नाम है? राम और कृष्ण. वॉट आर देयर नेम्स? राम एंड कृष्ण. कृष्ण वाली आत्मा मृदुल है. द सोल ऑफ कृष्ण इज सॉफ्ट. सबको मीठी लगती है. इट अपियर्स टू बी स्वीट टू एवरीवन. इसलिए कृष्ण की पूजा बच्चे के रूप में होती है. दिस इज वाई
Is Krishna worshipped in the form of a child? या नौजवान और बुढ़े के रूप में होती है. Or in the form of a youth and an old person? Students, in the form of a child. क्योंकि बच्चा देखने में बहुत प्यारा लगता है. It is because a child appears very lovely. इसलिए क्योंकि संगम युग में जब भगवान बाप आते हैं. This is why when God the Father comes in the confluence age. तो जो सृष्टि का पहला पत्ता है. The first leaf of the world. जिसे भक्ति मार्ग में भी संसार सागर में पीपल के पत्ते पर गर्भ में बड़े आराम से बैठे हुए दिखाया जाता है. Who is also shown sitting very comfortably in the womb on a peepal leaf in the ocean like world in the path of bhakti. Peepal leaf meaning leaf of the holy fig tree. Aisi bhagyashali atma, such a fortunate soul, jo vishayi sansar sagar mein bhi choti si halki si navaiya ke upar आधार लेता है, वो आत्मा सबको प्यारी लगती है. Which takes the support of a small light boat even in the vicious ocean of the world appears lovely to everyone. 16 कला संपूर्ण भगवान के रूप में पूजा जाता है. He is worshipped in the form of God who is perfect with 16 celestial degrees. परंतु बेचारे मनुष्य नहीं जानते. But the poor human beings don't know कि 16 कलाएं जहां कृष्ण को दिखाया है द्वापर में क्यों दिखा दिया. Why Krishna with 16 celestial degrees has been shown in the copper age. द्वापर तो द्वैतवादी राक्षसों का युग है. The copper age, द्वापर, is a dualistic age of demons. दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल, दो दो मतें, दो दो भाषाएं चल पड़ती हैं दुनिया में. टू रिलीजन्स, टू किंगडम्स, टू क्लैंस, टू ओपिनियंस, टू लैंग्वेजेस स्टार्ट इन द वर्ल्ड. अरे देवताएं तो अद्वैत होते हैं. अरे द डेटीज आर नॉन ड्यूअलिस्टिक. जहाँ एक धर्म होता है दूसरा धर्म नहीं होता. वेयर देयर इज वन रिलीजन देयर इज नो अदर रिलीजन. एक मत होता है, एक राजा होता है, एक राज्य होता है दुनिया, सारी दुनिया में. देयर इज वन ओपिनियन वन किंग वन किंगडम इन द एंटायर वर्ल्ड. तो देखो भक्त मनुष्य जो भी शास्त्रों का निर्माण किया. सो लुक वॉट एवर स्क्रिप्चर्स द ह्यूमन डिवोटीज क्रिएटेड. और उसमें जो भी दिखाया. एंड वॉट एवर दे डिपिक्टेड इन इट. वो अज्ञान दिखाया या ज्ञान दिखाया. डिड दे डिपिक्ट इग्नोरेंस और नॉलेज. भक्ति मान ही भगाने वाली. भक्ति इटसेल्फ मींस दैट विच मेक्स समवन रन. बुद्धि भागती रहती है. द इंटेलेक्ट कीप्स रनिंग मीनिंग वॉन्डरिंग. द्वापर युग से ही. फ्रॉम द कॉपर एज इटसेल्फ. कोई मंदिरों में जाते हैं. सम गो टू टेम्पल्स. शिव के मंदिरों में जाते हैं. दे गो टू द टेम्पल्स ऑफ शिव. राम के मंदिरों में जाते हैं, कृष्ण के मंदिरों में जाते हैं. दे गो टू द टेम्पल्स ऑफ राम. दे गो टू द टेम्पल्स ऑफ कृष्ण. भटकते रहते हैं. दे कीप वॉन्डरिंग. कोई कोई तो भारी तादाद में इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होकर के. सम कन्वर्ट टू इस्लाम इन लार्ज नंबर्स. काबा को अपना तीर्थ स्थान मान लेते. एंड कंसिडर द काबा टू बी देयर पिलग्रिमेज प्लेस. काबा मीनिंग द क्यूबिकल श्राइन एट मक्का. और मस्जिद में जाकर के भटकते. एंड दे गो टू द मॉस्क एंड वॉन्डर. वो मस्जिद यादगार बनी हुई है. दैट मस्जिद मीनिंग मॉस्क इज बिल्ट एज अ रिमाइंडर. क्या होता है मस्जिद में.
What is there in a mosque? एक दीवान खड़ी करते हैं, उसके सामने बैठ करके इबादत करते हैं। They erect a wall and sit in front of it and pray. वो जानते नहीं है कि ज्ञान मार्ग में ये विघ्नों की दीवार है। They don't know that this is a wall of obstacles in the path of knowledge. जो इस्लामियों को मुस्लिमों को आगे नहीं बढ़ने देती। Which doesn't allow those Islamic people, those Muslims to move forward. उनकी कुरान को देखो और गीता को देखो। Look at their Quran and look at the Gita. दोनों धर्म ग्रंथों में क्या अंतर है? What is the difference between both the religious books? है? कुछ अंतर है? क्या? Is there any difference? Student, there is. What? हाँ। Student replied, yes. ज्ञान का भंडार जितना गीता में है, उतना दुनिया के कोई भी धर्म के धर्म ग्रंथ में नहीं है। The extent to which there is a store of knowledge in the Gita, there isn't as much knowledge in the religious book of any other religion of the world. और कुरान में क्या है? And what is there in the Quran? बस, हुकूमत, हुकूमत, order, order. There is just domination, domination, order, order. मिलिट्री राज्य, मिलिट्री रूल। बात मानो तो मानो। इफ यू एक्सेप्ट द वर्ड्स इट इज गुड। नहीं मानो तो गोली। हाँ। इफ यू डोंट एक्सेप्ट देम यू विल बी शॉट, यू विल बी फायर्ड। अरे अरे, मन बुद्धि वाला है ना। A human being has a mind and intellect, doesn't he? जानवर तो नहीं है। He certainly isn't an animal, is he? बुद्धि, उसका काम है समझ है। It is the work of the intellect to understand. समझने का मौका तो देना चाहिए। Someone should at least be given a chance to understand. बिल्कुल मौका नहीं दिया जाता। They aren't given any chance at all. पूरा ही मिलिट्री राज्य। इट इज अ कंप्लीट मिलिट्री रूल। जैसे मिलिट्री में जो अधिकारी है, ऑफिसर है, उसने जो ऑर्डर दिया वो मानना पड़े। फॉर एग्जाम्पल इन द मिलिट्री द ऑर्डर्स इश्यूड बाय द ऑफिसर हैव टू बी एक्सेप्टेड। कोई अकल नहीं चला सकता मातहत। नो सबॉर्डिनेट कैन यूज हिज इंटेलेक्ट। अपनी ही अकल नहीं चला सकता कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। He can't use his intellect and say that it shouldn't be like this, it should be like this. तो देखो बुद्धि का ताला क्या कर देते हैं? So look, what do they do to the lock of the intellect? बंद कर दिया जाता है। They lock it. इसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? Where is the foundation laid? है संगम युग में फाउंडेशन पड़ता है। द फाउंडेशन इज लेड इन द कॉन्फ्लुएंस एज। ये मिस, ये जिद। दिस मिस मीनिंग मेडन, दिस जिद मीनिंग ऑब्स्टिनेसी। ये जिद करने वाली ऐसी कुमारी को इस ज्ञान मार्ग में आती है जो बेसिक में चलने वाले सब ब्राह्मणों की बुद्धि को ताला लगाए देती है। सच एन ऑब्स्टिनेट मेडन हु लॉक्स द इंटेलेक्ट ऑफ ऑल द ब्राह्मिन्स हु फॉलो द बेसिक नॉलेज एंटर्स द पाथ ऑफ नॉलेज। न खुद भगवान बाप को पहचानती है न औरों को पहचानने देती है। नीदर डज शी हरसेल्फ रिकॉग्नाइज गॉड द फादर नॉर डज शी अलाउ अदर्स टू रिकॉग्नाइज हिम। तो क्या कहेंगे? सो व्हाट विल इट बी कॉल्ड? विघ्नों की दीवार है या नहीं है? इज इट अ वॉल ऑफ ऑब्स्टेकल्स और नॉट? है विघ्नों की दीवार। इट इज अ वॉल ऑफ ऑब्स्टेकल्स। वो स्त्री रूप में आती है
या पुरुष रूप में आती है? Does she come in the form of a woman or in the form of a man? स्त्री रूप में आती है। She comes in the form of a woman. तो देखो। So look. बात चल रही थी विष्णु की चार भुजाओं की। The topic being discussed was about the four arms of Vishnu. उनमें बुद्धि की देवी कौन कही जाती है भारत में? Among them, who is called the Devi, meaning female deity of knowledge in India? Saraswati Jagdamba. बुद्धिमानों की बुद्धि की देवी। The Devi of the intellect of the intellectuals. फॉलो किसको करती है? Whom does she follow? है? ब्रह्मा को फॉलो करती है। She follows Brahma. और ब्रह्मा की गोद में सिर्फ ऊंचे ते ऊंचे धर्मावलंबी सूर्यवंशी ब्राह्मण ही पलते हैं। And do just the followers of the highest religion, the Suryavanshi Brahmins receive sustenance on the lap of Brahma? या नौकरियों के सभी ब्राह्मण पलते हैं? Or do all the Brahmins belonging to the nine categories receive sustenance? Student, all the Brahmins receive sustenance. जैसे दुनिया में नौ धर्म हैं, जो भगवान को मानने वाले हैं। Just as there are nine religions in the world that accept God. भगवान से प्राप्ति करने वाले हैं। Which achieve attainments from God. उन नौ धर्मों में जो भारतवासी हैं वही टाइम टू टाइम कन्वर्ट होते रहे। Only the Bharatvasis kept converting from time to time in those nine religions. इसलिए भारत की जनसंख्या है कम होती गई दुनिया में। This is why the population of India kept decreasing in the world. और दूसरे धर्म वालों की जनसंख्या बढ़ती गई। And the population of the other religions kept increasing. तो देखो भारतवासियों ने अपने आप ही अपने को चमाट मारी। So look, the Bharatvasis have slapped themselves. कैसे चमाट मारते हैं? How do they slap themselves? है? कौन चमाट मारते हैं? Who slap themselves? सूर्यवंशी चमाट मारते हैं। Is it the Suryavanshis who slap themselves? या और धर्मों के जो फॉलोअर्स हैं? Or do the followers of the other religions? नीची कुरियों के ब्राह्मण हैं, वो चमाट मारते हैं। The Brahmins of the lower categories slap themselves. है? जो नीची कुलियों के ब्राह्मण हैं, वो पूरा ज्ञान नहीं उठाते। The Brahmins of the lower categories don't grasp the complete knowledge. और पूरा ज्ञान न उठाने का कारण क्या होता है? And what is the reason for not grasping the complete knowledge? है? पूरा ज्ञान न उठाने का कारण होता है कि वो घर बार के धंधे धोरी में फंसे रहते हैं। The reason for not grasping the complete knowledge is that they remain entangled in the household businesses. क्या? What? घर बार कोई ईंटों के मकान को नहीं कहा जाता। A house made of bricks isn't called a household. किसको कहा जाता है? What is called a household? घरवाली को ही घर कहा जाता है। The wife, घरवाली, herself is called the house, घर। न ग्रहम ग्रहम इति उच्यते। न ग्रहम ग्रहम इति उच्यते। ग्रहणी ग्रहम उच्यते। ग्रहणी ग्रहम उच्यते। ग्रहम ही ग्रहणी हीनम अरण्य सदृशम मतम। ग्रहम ही ग्रहिणी हीनम अरण्य सदृशम मतम। घर को घर नहीं कहा जाता। It means a physical house isn't called a home. जो घरवाली है उसी को घर कहा जाता है। The wife alone is called a home. जो घर है गृहिणी से विहीन हो जाता है वो जंगल बन जाता है। A home without a wife becomes a jungle. घर नहीं कहा जाता। It isn't called a home.
तो वास्तव में सो इन रियलिटी जिस घर में गृहिणी अच्छी हो, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार गृहिणी है, अ होम वेयर द वाइफ इज गुड, ओबीडियंट, लॉयल, कंप्लायंट एंड ऑनेस्ट, तो घर स्वर्ग बन जाता है, दैट होम बिकम्स हेवन, नहीं तो घर नरक बन जाता है, अदरवाइज द होम बिकम्स हेल। तो भगवान जब आकर के इस दुनिया में सारी वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना करता है, सो व्हेन गॉड कम्स एंड एस्टेब्लिशेस वन वर्ल्ड फैमिली इन दिस वर्ल्ड, तो यहाँ भी ये नियम लागू होता है, हियर टू दिस रूल इज अप्लीकेबल, कि भगवान की आत्मा रूपी सजनिया, द रूल दैट द वाइफ लाइक सोल्स ऑफ गॉड, जो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, इस नियम को फॉलो करती है, हु फॉलो द रूल ऑफ वन शिव बाबा एंड नो वन एल्स, मन से, वचन से, कर्म इंद्रियों से भी, थ्रू देयर माइंड, वर्ड्स एंड ऑल्सो द कर्मेंद्रिया, तो वो आत्माएं ज्ञान सूर्य के सच्चे बच्चे, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार सजनिया है शिव बाप की, दोज सोल्स द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ द सन ऑफ नॉलेज आर द ओबीडियंट, लॉयल, कंप्लायंट, ऑनेस्ट वाइफ्स ऑफ द फादर शिव, और जो बाकी गुरियों के ब्राह्मण है वो इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं, एंड द ब्राह्मिन्स ऑफ द अदर कैटेगरीज डोंट फॉलो दिस रूल, कोई तो गांठ बांध लेते हैं, सम डिसाइड फर्मली कि हमें विकार में जाना ही जाना है, वी डेफिनेटली हैव टू इंडल्ज इन वाइसेस, भगवान बाप का ऑर्डर है, इट इज द ऑर्डर ऑफ गॉड द फादर, कि पिछले जन्मों में तो विकारी इंद्रियों का सुख भोगते ही रहे ना, यू सर्टनली हैव बीन एंजॉयिंग द प्लेजर ऑफ द विशियस इंद्रिया इन द पास्ट बर्थ्स, हैवंट यू, अब ऐसे एक जन्म में वो भी बहुत थोड़े समय के लिए, नाउ इन दिस वन बर्थ दैट टू फॉर अ वेरी लिमिटेड पीरियड, अनेक जन्मों की प्राप्ति करने के लिए, इन ऑर्डर टू अचीव अटेनमेंट्स फॉर मेनी बर्थ्स, अगर विकारों को छोड़ भी दिया, इफ एट ऑल यू लीव द वाइसेस, इच्छा मात्रम अविद्या कर दिया, तो क्या बड़ी बात होगी, इफ यू बिकम इच्छा मात्रम अविद्या, वॉट इज ग्रेट अबाउट इट, इच्छा मात्रम अविद्या मीनिंग विदाउट अ ट्रेस ऑफ द नॉलेज ऑफ डिजायर, लेकिन जो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, बट द सोल्स दैट कन्वर्ट टू द अदर रिलीजन्स, जो भगवान बाप के भारत में आने पर भारत में आकर के जन्म ले लेती है, हु कम एंड आर बोर्न इन भारत आफ्टर गॉड द फादर कम्स इन भारत, इस अंतिम जन्म में नीची गुरियों के ब्राह्मण बन जाती है, दे बिकम ब्राह्मिन्स ऑफ द लोअर कैटेगरीज इन दिस लास्ट बर्थ, और बाबा ने बोला है कोई पूर्व जन्म में वैश्या है, एंड बाबा हैज सेड इफ समवन इज अ प्रोस्टिट्यूट इन द पास्ट बर्थ, कोई पूर्व जन्म में क्या है, वैश्या है, वॉट इज शी इन द पास्ट बर्थ, अ प्रोस्टिट्यूट, इस जन्म में आकर के जब भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो भला ब्राह्मण बन जाए पवित्र थोड़े समय के लिए, वेन गॉड द फादर कम्स इन दिस वर्ल्ड although she becomes a pure brahmin in this birth for a short time, lekin phir bhi uska antakal kya spasht karega, yet what will her final period make clear, ki wo antim samay mein vaishyaon ki taraf hi chali jayegi, she will just go towards the prostitutes in the final period, ab yahan koi striyon ki baat nahi hai, well it isn't about women here, यहाँ बात स्त्री और पुरुष है दोनों की है, here it is about both women and men,
दोनों ही आत्मा रूपी सजनिया परमात्मा की हैं। बोथ आर द वाइफ लाइक सोल्स ऑफ द सुप्रीम सोल। आज नहीं तो कल उनको परमात्मा बाप की सजनी बनना ही पड़ेगा। इफ नॉट टूडे टुमोरो दे विल सर्टनली हैव टू बिकम द वाइफ ऑफ द सुप्रीम सोल। परंतु पूर्व जन्मों के संस्कार होने के कारण बट बिकॉज ऑफ द संस्कार ऑफ द पास्ट बर्थ्स। विदेशी धर्मों के संस्कार होने के कारण बिकॉज ऑफ द संस्कार ऑफ द फॉरेन रिलीजन्स। अनेक जन्मों के संस्कार होने के कारण बिकॉज ऑफ द संस्कार ऑफ मेनी बर्थ्स। जो हिंदू आत्माएं देवताएं थे द हिंदू सोल्स हु वर डेटीज। वो द्वापर युग से और धर्मों में कन्वर्ट होने के कारण और धर्मों के संस्कार धारण कर लेते हैं। असिमिलेट द संस्कार ऑफ द अदर रिलीजन्स बिकॉज ऑफ कन्वर्टिंग टू द अदर रिलीजन्स फ्रॉम द कॉपर एज। और विदेशी विधर्मियों में ये संस्कार पक्के होते रहते हैं। द अदर विदेशी एंड विधर्मीज कीप डेवलपिंग द फर्म संस्कार। विदेशी मीन्स फॉरेनर्स। विधर्मीज मीन दोज हुज बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस आर ऑपोजिट टू दैट सेट बाय द फादर। कि एक नारी से संतुष्ट नहीं होंगे जीवन में। दैट दे वोंट बी सेटिस्फाइड विथ वन वुमन इन देयर लाइफ। एक डाइवोर्स देंगे, दो तलाक देंगे, 10 तलाक देंगे और जीवन में विचार ही बनते रहेंगे। दे विल डिवोर्स वंस, दे विल डिवोर्स ट्वाइस, दे विल डिवोर्स 10 टाइम्स एंड दे विल कीप बिकमिंग अडल्टरस इन देयर लाइफ। तो आत्मा में सदभाव बनने के संस्कार हुए या वैश्यावृत्ति के संस्कार हो गए। So, did the soul have the sanskars of becoming a sadhva or the sanskars of prostitution? Sadhva means a woman whose husband is alive. Vaishyavriti ke sanskar pakke ho jate. The sanskars of prostitution become firm. Wohi atma hai abhi sangam yug mein. The same souls now in the confluence age. Jahan sangam mein पुरुष रूप में जो आत्माएं हैं मनुष्य है उनके बीच में पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष होता है। वेयर द पुरुषोत्तम इज रिवील्ड अमंग द पुरुष लाइक सोल्स द ह्यूमन बीइंग्स। पुरुषोत्तम मीन्स द वन हु इज द बेस्ट अमंग द सोल्स। कैसा पुरुषों में उत्तम। हाउ इज ही द बेस्ट अमंग द पुरुष मीनिंग सोल्स। नारायण किस आधार पर बनता है उत्तम। On what basis does Narayan become the best? Uttam te uttam. Satyanarayan banta hai. Satyanarayan becomes the best. Ghar ghar mein Satyanarayan ki pooja hoti hai. He is worshipped in every home. Aur Satyug mein hi banta hai. And he becomes that only in the golden age. Jis yug mein Radha ki drishti trust mein hi doobegi. और कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबेगी। इन दैट एज राधा विल एक्सचेंज गेजेस ओनली विद कृष्ण एंड कृष्ण विल एक्सचेंज गेजेस ओनली विद राधा। माने इट मीन्स ऐसी दुनिया का निर्माण करने में ईश्वर बाप के सहयोगी बनते हैं। दे बिकम द हेल्पर्स ऑफ गॉड द फादर इन एस्टेब्लिशिंग सच अ वर्ल्ड। जहाँ जितनी भी प्रजा होगी सतयुग से लेकर के त्रेता के अंत तक। वेयर ऑल द सब्जेक्ट्स फ्रॉम द गोल्डन एज टू द एंड ऑफ द सिल्वर एज। सारी प्रजा एक पत्नी व्रतधारी होगी या अनेक पत्नी धारी होगी। विल दे हैव ओनली वन वाइफ और विल दे हैव मेनी वाइफ्स। एक पत्नी धारी। दे विल हैव वन वाइफ। पत्नी भी एक पति को जीवन में धारण करने वाली। द वाइफ विल ऑल्सो हैव ओनली वन हस्बैंड इन हर लाइफ। इतना ही नहीं नॉट जस्ट दिस भगवान बाप आकर के एक जन्म की युगल जोड़ी नहीं बनाते हैं। गॉड द फादर कम्स एंड फॉर्म्स कपल्स
not just for one birth. 21 जन्मों की युगल जोड़ी बना देते. He forms couples for 21 births. इतना पक्का निश्चय विश्वास एक दूसरे में बैठा देते. He makes them have such firm faith and trust in each other. उनके संस्कार मिलकर के एक हो जाते. Their संस्कार्स harmonize and become one. तो देखो. So look. जो कन्वर्ट होने वाले हैं, वो ब्राह्मण में नीची कुरियों में गिने जाते हैं. Those who convert are counted among the lower categories of Brahmins. क्योंकि भगवान का पूरा ज्ञान नहीं उठाते हैं. Because they don't grasp the complete knowledge of God. एक से नहीं सुनते हैं. They don't listen to the one. एक से सुनते सुनते दूसरों की बातों पर विश्वास करने लग पड़ते हैं. While listening to the one, they start believing others' words. इसलिए बाप ने क्या बोला? This is why, what did the father say? भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई है. The Bharatvasis have undergone degradation listening to hearsay. वो नीची कुरी के ब्राह्मण हैं. Those Brahmins of the lower category. अभी शूटिंग पीरियड चल रहा है. It is the shooting period going on now. अनेकों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं. Believe the words of many. और एक जिसमें भगवान बाप को स्वीकार कर लेते हैं. And the one in whom they accept God the Father. निश्चय बुद्धि विश्वास धारण कर लेते हैं. The one for whom they have an intellect with faith and belief. उसको शक सुबह की दृष्टि से देखते हैं. They start looking with suspicion at him. जो बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात नहीं कहता. The one who doesn't say anything without proof and evidence. भगवान बाप जो भी पढ़ाई पढ़ाते हैं. Whatever study God the Father teaches. वो सारी बातें ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम. All those subjects are ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम. Meaning, the words of Brahma are the words of God. ब्रह्मा की वेदवाणी है. It is Brahma's वेदवाणी. और वो वेदवाणी अकाट्य है. And that वेदवाणी is irrefutable. उसको कोई काट नहीं सकता. Nobody can cut it. परंतु फिर भी अविश्वास बैठ जाता है. Yet they lose faith. अनिश्चय बैठ जाता है. They have doubts. क्यों? Why? क्योंकि भारतवासियों की आदत है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना. It is because it is the habit of the Bharatvasis to believe in hearsay. मुसलमान आए, इस्लामी आए, जो भी सुनाया. The Muslims came, the Islamic people came, whatever they narrated. भारतवासी देवताओं की ग्लानी की सुनी और विश्वास कर लिया. They defamed the Indian deities and the Bharatvasis heard it and believed it. कन्वर्ट हो गए. And they converted. Christians आए, भारतवासियों की देवताओं की ग्लानी की. The Christians came, they defamed the Bharatvasis, the deities. और उस ग्लानी को सुन करके कन्वर्ट हो गए. And after listening to that defamation, they, meaning the Indians, converted. ये कन्वर्ट होना, ये संस्कार कहाँ के पड़े हुए हैं? Where did they develop these संस्कार्स of converting? है? 63 जन्मों के संस्कार पड़े हुए. They developed these संस्कार्स in the 63 births. वो संस्कार बड़े प्रबल होते हैं. Those संस्कार्स are very strong. ज्ञान जब तक पूरा नहीं धारण करेंगे. Unless you assimilate the knowledge completely. ज्ञान एक भगवान से आता है. The knowledge comes from the one God. और अनेक मनुष्यों से क्या आता है? And what comes from many human beings? अज्ञान आता है. Ignorance. वो मनुष्य मात्र चाहे कितने भी दुनिया में बड़े गाए जाते हो.
However great those human beings may be praised in the world, 200-250 crore Christians का धर्मपिता क्राइस्ट कितना बड़ा धर्मपिता हुआ? क्राइस्ट, the religious father of the 200 to 250 crore, meaning 2 to 2.5 billion Christians, is such a great religious father. दुनिया की 500 करोड़ आबादी में से आधी संख्या तो उन्हीं की हो जाती। Half of the 500 crore population of the world is all theirs. वो भी अज्ञान सुनाते हैं या ज्ञान सुनाते हैं? Do they also narrate ignorance or do they narrate knowledge? Student, ignorance. उसका प्रूफ क्या है? What is the proof? अज्ञान का प्रूफ है नीचे गिरना। The proof of ignorance is downfall. ठोकर खाना। To stumble. अज्ञान को रात कहा जाता है। Ignorance is called night. रात में मनुष्य ठोकरें खाते हैं या दिन में खाते हैं? Do people stumble at night or do they stumble in the day? Students, at night. तो ये अज्ञान रूपी रात है द्वापर कलयुग। So, this copper and iron age is the ignorance like night. जब से इस दुनिया में इन देहधारी मनुष्य गुरुओं का आगमन हुआ है। Ever since these bodily human gurus have arrived in this world, 2500 वर्ष से पहले दुनिया में कोई धर्म नहीं थे। There were no religions in the world 2500 years ago. कोई धर्म पिता नहीं आया था। No religious father arrived. ये मनुष्य गुरु आकर के अज्ञान का अंधकार फैला देते हैं। These human gurus come and spread the darkness of ignorance. तो ये अज्ञान का अंधकार उच्छेदन करने के लिए, So, to dispel the darkness of ignorance, पहले First of all, पूरे अंधकार का पीछा करती हुई काल रात्रि महाकाली आती है। काल रात्रि महाकाली comes pursuing the complete darkness. काल रात्रि meaning night of the dissolution of the world, a name of महाकाली, a form of पार्वती। और उस महाकाली के पीछे कौन आता है? And who comes after that महाकाली? लालिमा आती है। लालिमा comes. लालिमा means redness in the sky before sunrise. और लालिमा के प्रत्यक्ष होने के बाद ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होता है। And after the revelation of लालिमा, the sun of knowledge is revealed. तो महाकाली कौन हुई? So who is महाकाली? जगदम्बा। जगदम्बा। ऐसा ज्ञान अंधकार फैलाएगी। She will spread such darkness of ignorance. क्योंकि सारे जगत 500-700 करोड़ की अम्बा है। Because she is the mother of the entire world of the 500 to 700 crore souls. सात आँखों में देवान का धूल छोक करके अंधा बनाई देती है। She throws the dust of body consciousness in everyone's eyes and makes them blind. अपना follower बना लेती है, यहाँ तक कि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र में एक ही का राज्य हो जाता है। She makes them her followers to the extent that there is the rule of only one ruler over all the human beings of the entire world. जिस राज्य को सिखों में आज भी गाया जाता है, राज करेगा खालसा। That rule is praised among the Sikhs even to this day as राज करेगा खालसा, meaning खालसा will rule. खालसा माने पवित्र। खालसा means pure. कैसे पवित्र? Pure in what way? अरे काला अच्छा समझा जाता है या गोरा अच्छा समझा जाता है? अरे Is someone dark considered to be good or is someone fair considered to be good? Student, someone fair is considered to be good. माँ गौरी की लक्ष्मी की पहले पूजा क्यों होती है अब्बल नंबर में? Why is महागौरी लक्ष्मी worshipped first of all at the first number? और महाकाली की लास्ट में क्यों पूजा होती है?
and why is Mahakali worshipped last? क्योंकि जो महागौरी है ये वो आत्मा है जिसका जन्म जन्मांतर का ये विरुद्ध है वरों शंभु नतु रहों कुमारी. It is because महागौरी is the soul who has a vow for many births. Varau Shambhu Nato Rahu Kuvari, meaning I shall either marry Shambhu or remain unmarried. Sanyas Jeevan Dharan Karlungi, I will accept the life of a renunciate, meaning sanyasi. Lekin Shambhu ke alawa, Shankar ke alawa, koi dusri atma ka varana nahin karungi. But I won't accept any other soul than Shambhu, Shankar, as my husband. Itni badi 500-700 crore manushya atmao ki duniya. There is such a big world of 500 to 700 crore human souls. Unme koi aisa part dhari bhi to hoga. There will certainly be such an actor among them. Aisi atma bhi part dhari hogi na. There will be such an actor soul, won't there? Jo janma janmantar hai, एक के साथ इंद्रियों का योग जोड़ती हो. Who has a connection of the indriya with only one person for many births. एक के साथ इंद्रियों का मेल करके संसार की वृद्धि करती हो. Who has a connection of the indriya with one and procreates. सृष्टि बढ़ाने में सहयोग देती हो. Who helps in the growth of the creation. अनेकों के साथ या दो चार के साथ भी नहीं. She doesn't have a connection of the indriya with many or even 2 to 4 people. तो ऐसा पार्ट होगा या नहीं होगा? So, will there be such a part or not? एक पत्ता तो जरूर होगा. There will definitely be one leaf. वो है भारत माता. She is the mother India. है? क्या नाम दिया? भारत माता. What name was she given? भारत माता. काहे में रत माता? A mother engaged in what? भा माने ज्ञान की रोशनी. भा means the light of knowledge. ज्ञान की रोशनी में जो रत रहता है जन्म जन्मांतर. The one who remains engaged in the light of knowledge for many births. सतयुग त्रेता में ज्ञान का बीज है आत्मा. In the golden and silver age, the seed of knowledge is the soul. उस आत्मी की स्थिति में रत रहता है. He, meaning Bharat, remains engaged in that soul conscious stage. और द्वापर कलयुग में ज्ञान की बातों में ही रमण करता है. And in the copper and iron age, he remains engaged only in the topics of knowledge. And पहला पहला कौन है? जो द्वापर सतयुग के सत्व प्रधान द्वापर के आदि में पहला शास्त्र रचता है. Who is the first one to write the first scripture in the beginning of the सत्व प्रधान कॉपर एज? सत्व प्रधान मीन्स कंसिस्टिंग विद द क्वालिटी ऑफ गुडनेस एंड प्यूरिटी. व्यास. व्यास. जो गीता में भी लिखा है व्यास प्रसादात. फॉर हिम It has also been written in the Gita, Vyasah Prasadat. Vyas ki prasannata se hum Bharatvasiyon ko ye Gita gyan mila. It means we Bharatvasis received this knowledge of the Gita because of the joy of Vyas. To dene wala manushya atma hai dwapar ke aadi mein ya Bhagwan hai. So is the giver a human soul in the beginning of the copper age or is it God? Manushyatma hai, dadi mooch wala hai. It is a human soul with beard and mustache. Aur wohi dadi mooch wala atma satyug ke aadi ka narayan hai. And the same soul with beard and mustache is the narayan of the beginning of the golden age. Nar mane gyan jal, ayan mane ghar. Nar means the water of knowledge and ayan means house. Jiska jnan jal mein ghar hai. The one whose house is in the water of knowledge. Kya? What? Naipal mein. In Naipal. Jab nayi srishti bani thi.
when the new world was established. तो पहले पहले नई दुनिया की पालना करने वाला कोई नेपाली संगठन था. There was a Nepali gathering which sustained the new world first of all. जिसकी यादगार ऊंची स्टेज वाला राज्य आज भी भारत में नेपाल माना जाता है. As a remembrance of it, Nepal is considered to be a state with a high stage even to this day in India. वो नई दुनिया की पालना करने वाला वही नारायण है. It is the same Narayan who sustains that new world. जहाँ नेपाल में तालाब में जिसे क्षीर सागर कहते हैं विष्णु का मंदिर बना हुआ है. Where a temple of Vishnu is built on a lake which is called the Shir Sagar, meaning ocean of milk in Nepal. End of the VCD. Continued in VCD 2205.